हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC। आफ्टर 20 इयर्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ RFID, NXP, सोनी एंड नोकिया इंट्रोड्यूस NFC टू ऐड कॉन्टेक्ट लेस डेटा ट्रांसफर टू पावर मोबाइल डिवाइसेस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में RFID पढ़ा। तो RFID में क्या हो रहा था कि RFID टैग्स जो थे वो ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स में अटैच किए जा रहे थे और RFID रीडर्स जो हैं उससे डेटा कलेक्ट कर रहे थे यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी सेम वैसा ही वर्क होगा NFC में, बट स्मॉल डिस्टेंस के लिए होगा। अगर डिस्टेंस फ्यू सेंटीमीटर से तो NFC का यूज़ किया जाता है। तो RFID के इंट्रोड्यूस होने के 20 इयर्स बाद NXP, सोनी और नोकिया ने NFC को ऐड किया मोबाइल फोन्स में, जिससे कॉन्टेक्ट लेस डेटा ट्रांसफर हो सके बिटवीन डिवाइसेस। मतलब डिवाइसेस को आपस में कॉन्टेक्ट लाने की जगह वो बिना कॉन्टेक्ट के फ्यू सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपस में डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। तो NFC इनेबल्ड मोबाइल्स के थ्रू हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, और हमें पता है कि वो जो डिस्टेंस होता है उन मोबाइल्स के बिटवीन वो लेसर होता है। टुडे NFC इज़ स्टैंडर्ड हार्डवेयर ऑन ऑल मेजर स्मार्टफोन्स, मेकिंग द टेक्नोलॉजी ईजीली एक्सेसिबल। आज हर स्मार्टफोन में NFC जो एक स्टैंडर्ड हार्डवेयर है, जिससे हम किसी भी डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। NFC इज़ द नंबर वन टेक्नोलॉजी ड्राइविंग द अडोप्शन ऑफ द IoT। तो हम कह सकते हैं कि NFC जो है वो IoT टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने में हेल्प कर रही है। RFID हेल्प्स एट ट्रैकिंग इन्वेंट्री बिफोर द सेल, वाइल NFC इज एम्ड एट बिकमिंग पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट्स यूटिलिटी आफ्टर द सेल। तो हमें पता है कि RFID की हेल्प से हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनको कंट्रोल, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब कर सकते हैं। तो बिफोर सेल आइटम्स का इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RFID। लेकिन क्यों NFC क्यों बनाया गया कि जब प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो आफ्टर उसकी यूटिलिटी रहेगी, यानी प्रोडक्ट सेल करने के बाद आप उस प्रोडक्ट के थ्रू किसी दूसरी डिवाइस से डेटा को एक्सेस करना चाहते हो फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। NFC टैग्स आर स्मॉल, इनएक्सपेंसिव एंड एम्बेडेड इनटू प्रोडक्ट्स एट द आइटम लेवल फॉर यूज बाय कंज्यूमर्स। तो NFC टैग्स जो होंगे, जो आइटम में आप अटैच कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो, वो स्मॉल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और उन प्रोडक्ट्स में अप्लाई किए जाते हैं जो कंज्यूमर यूज़ करेगा, यानी कि कंज्यूमर के यूज़ के लिए NFC टैग्स को उनके डिवाइसेस में अटैच एम्बेड किया जाता है। NFC ऑपरेट्स एट ए शॉर्टर डिस्टेंस, प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन एंड अलाउज फॉर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन पीयर टू पीयर। तो NFC जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस, फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस के लिए ऑपरेट होते हैं, वर्क करते हैं, और ये क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस पे वो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, और इसमें हम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और दूसरा डिवाइस भी जो है उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। NFC इनेबल्ड डिवाइसेस कैन बी आइदर रीडर और कार्ड। अगर कोई डिवाइस है जैसे मोबाइल फ़ोन है, उनमें इसमें NFC इनेबल्ड है, तो वो रीडर की तरह भी वर्क कर सकता है और NFC कार्ड की तरह भी वर्क कर सकता है। कार्ड मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी उस डिवाइस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी यूज NFC टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू स्मार्टफोन्स, द फर्स्ट स्मार्टफोन बिगिन बाय एक्टिंग एज ए रीडर एंड द सेकेंड एक्ट एज ए कार्ड। तो जब भी हम टू मोबाइल फ़ोन के बिटवीन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो पहले क्या होता है, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है। एक डिवाइस जो है दूसरे डिवाइस को सर्च करता है, तो उस केस में फर्स्ट डिवाइस जो है वो रीडर का काम करता है और दूसरा जो है कार्ड का वर्क करता है। जो फर्स्ट मोबाइल फ़ोन है वो उसको सर्च कर रहा होता है सेकेंड मोबाइल फ़ोन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। आफ्टर द इनिशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज दे रिवर्स रोल्स, नाउ द फर्स्ट स्मार्टफोन इज़ ए कार्ड एंड द सेकेंड स्मार्टफोन इज़ ए रीडर। अब जैसे ही उनके बिटवीन कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, वो एक दूसरे को सर्च कर लेते हैं, जो फर्स्ट फ़ोन है वो कार्ड हो जाता है और सेकेंड फ़ोन जो है वो रीडर हो जाता है, यानी कि फर्स्ट फ़ोन का डेटा जो है वो सेकेंड के पास ट्रांसमिट होने लगता है। इसीलिए
फर्स्ट स्मार्टफोन जो है वो कार्ड का काम करता है और सेकंड रीडर का करता है। इसीलिए कहा गया है कि हम एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेस को रीडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट एनएफसी टैग्स कांट एक्ट एज रीडर, ये हम किसकी बात करें, एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेस यानी स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एनएफसी टैग्स जो होते हैं वो सिर्फ कार्ड की तरह वर्क करते हैं, उनको हम रीडर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे आर पैसिव नो पावर सोर्स सो दे ऑलवेज एक्ट एज इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो एनएफसी टैग्स हमेशा यहाँ पर पैसिव होंगे, जबकि आरएफआईडी में हमने क्या देखा था, वहाँ टैग्स पैसिव भी हो सकते हैं एक्टिव भी हो सकते हैं। यहाँ हमेशा पैसिव ही रहेंगे, उनके पास कोई पावर सोर्स नहीं रहेगी और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन सोर्स के लिए वर्क करेंगे, वो रीडर की तरह वर्क नहीं करेंगे। एनएफसी इनेबल्ड डिवाइस सेंड्स पावर एंड कमांड्स टू दी एनएफसी टैग विच देन रिस्पॉन्स विद डेटा। और ऐसे एनएफसी कार्ड्स को जो एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेस होते हैं वो पावर सेंड करते हैं और कमांड सेंड करते हैं, जिससे ये एनएफसी कार्ड जो है रिस्पॉन्स में अपना डेटा एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेस को ट्रांसमिट करता है। अब वर्किंग कैसी होती है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है और ये स्मार्ट कार्ड है, तो स्मार्ट कार्ड क्या है, एनएफसी कार्ड ही है। अब मोबाइल फ़ोन ने पावर एंड कमांड्स भेजी रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू स्मार्ट कार्ड को। अब इसके रिस्पांस में ये जो स्मार्ट कार्ड है अपना डेटा जो है किसको ट्रांसमिट करेगा, मोबाइल फ़ोन को, और ये जो डेटा होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा। एनएफसी रीडर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड्स पावर एंड इनिशिएट रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन एंड कैप्चर्स डेटा फ्रॉम द टैग और प्रोग्राम डेटा इनटू द टैग। तो यहाँ पर एनएफसी रीडर जो है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, वो पावर प्रोवाइड करेगा स्मार्ट कार्ड को और रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेगा, फिर वो टैग से डेटा को कलेक्ट करेगा, या फिर मोबाइल फ़ोन जो है इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, स्मार्ट कार्ड में अगर कोई डेटा चेंज करना है तो वो भी कर सकता है। एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स कैन बी यूज्ड टू राइट डेटा टू ए टैग यूजिंग ए स्पेशल कमांड। That means NFC tags can be updated when needed to hold new information. तो NFC enabled devices लाने की smartphones जो होंगे उनको हम use कर सकते हैं tag में नया data write करने के लिए special commands को use करके। इसका मतलब है कि जो NFC tags हैं उनको update भी किया जा सकता है जब भी उसमें कोई new information store करनी होगी। In peer-to-peer mode, it is possible to transfer information between two NFC devices. तो यहाँ पर peer-to-peer communication होता है, एक device दूसरे device से wireless communication के through connect होता है और फिर एक दूसरे से data transmit करता है। NFC systems operate on the same frequency as high frequency RFID, that means 13.56 megahertz. तो यहाँ पर एनएफसी सिस्टम जो है एक तरह से सबसेट ही है आरएफआईडी का, क्योंकि आरएफआईडी जो है वो तीन फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है, एक लो फ्रीक्वेंसी, एक हाई फ्रीक्वेंसी, एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी पे एनएफसी भी वर्क करता है। देयरफॉर दे आर ओनली शॉर्ट रेंज लिमिटेशन। So devices have to be a very close proximity, usually no more than a few centimeters. Therefore, it has become a popular choice for secure communication between consumer devices such as smartphones. तो NFC systems जो हैं उनमें सिर्फ short read range होती है। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो तो इसको यूज़ करके आप नहीं कर सकते, तो आपको डिवाइसेस को आपस में क्लोज रखना पड़ेगा, फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे ही रखना होगा। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो तो आपको आरएफआईडी का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टर डिस्टेंस पे डेटा कलेक्ट किया जाता है एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेस से, इसीलिए ये ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन है बिटवीन कंज्यूमर डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स। As NFC device is able to act both as a reader and as a tag, NFC is a popular choice for contactless payment. That's why mobile industry including NFC in newer smartphones. तो क्योंकि NFC devices reader और tag दोनों की तरह work कर सकता है, तो इसीलिए NFC जो है उसको हम contactless payment के लिए use कर सकते हैं, तो इसीलिए mobile industries जो है NFC को अपने new मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स में इंक्लूड कर रही हैं। NFC builds upon the standards of the high frequency RFID and turns the limitation of its operating frequency into a unique feature of NFC. तो जो RFID की हाई फ्रीक्वेंसी है उसको यूज़ करके NFC डिवाइसेस को
एक यूनिक फीचर मिला हुआ है जिससे वो शॉर्टर डिस्टेंस पे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं NFC enabled devices. The applications of NFC: data exchange between two mobiles, healthcare, contactless payment, Visa and MasterCard are offering NFC embedded smart cards to customers. Transport cards, ticketing, IoT, access control, parking access management. NFC integrated smart cards can be used for fast payment at grocery shops, parking tickets, adding shopping points, redeem coupons with just a single tap of the card or waving the card within the proximity. तो simply अपने card को use करके customer जो है payment कर सकते हैं grocery shop पे, parking tickets पे, shopping points को add करने के लिए या coupons, जो coupons मिले उनको redeem करने के लिए, या तो वो simple tap कर सकता है card पे या फिर उसको विद इन प्रॉक्सिमिटी जहाँ पर उसे पेमेंट करना है उस पर वेव करके वो पेमेंट कर सकता है. सर्विस प्रोवाइडर्स कैन इंटीग्रेट पेमेंट ऑप्शंस इनटू स्मार्टफोन्स यूजिंग एन एनएफसी टैग एम्बेडेड इनसाइड द डिवाइस. ऑनलाइन पेमेंट हम स्मार्टफोन के भी थ्रू कर पा रहे हैं तो वो एनएफसी एम्बेडेड टैग के थ्रू ही हो पा रहा है. जैसे एप्पल पे है, गूगल वॉलेट है, Samsung Pay are the most popular among smartphone payment systems. Attendance tracking. NFC tags are frequently used in ID cards and badges for attendance tracking and record keeping. तो companies में NFC tags use किए जाते हैं as a ID card employees की attendance लेने के लिए. तो employee को क्या करना होता है, just NFC reader के पास में card को जो है वेव करना होता है और उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है या उसको उसके पास में रखना पड़ता है जिससे उसकी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है. वायरलेस पेयरिंग. NFC टैग्स कैन बी यूज्ड टू अलाउ फॉर क्विक पेयरिंग बिटवीन ए ब्लूटूथ डिवाइस विद एन NFC टैग एंड एन NFC कैपेबल ब्लूटूथ डिवाइस सच एज एंड्रॉयड फ़ोन. तो NFC टैग्स के थ्रू हम दो डिवाइसेस को आपस में पेयर कर सकते हैं.